सारी डिटेल्स लेके रखिएगा दीवान जी. हाँ जी सर. अब ये क्या हसीना मलिक, क्या चाहती हैं आप? मतलब इतना कुछ हो गया उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई आपको? क्या क्या मेरी इतनी पर्सनल वीडियो वायरल करके और उस वो मंत्री के टंटे का बदला लेने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं हुई जो इतनी हल्की हरकतों पे उतर आई हैं आप, हाथापाई पे उतर आई हैं? देखिए प्लीज आप बकवास करना बंद कीजिए. वो जो वीडियो लीक हुआ है वो गलती की वजह से हुआ है, वो हमने किया भी नहीं. और यहाँ पर हम आपसे आकर नहीं टकराए, आप हमसे टकराए. सॉरी मैडम, इस बार सबने देखा है. देखिए आप ही का आदमी कह रहा है. यही कि आपने जानबूझकर हमारे सर को धक्का मारा. हाँ हाँ, औरतें ऐसी हरकतें अक्सर करती है. जिनसे खुंदक खाती है ना, उन्हें कुछ ना कुछ तो मारती है, जैसे बेलन, ताना या धक्का. वाह वाह, मतलब बात कहीं से भी शुरू हो, बीच में अपनी औरत मर्द वाली मानसिकता जरूर घुसाइए आप. अरे घुसी तो हसीना मैडम है जबरदस्ती, वो भी सामने से. और हम कहाँ औरत मर्द की मानसिकता को घुसा रहे हैं. ये बवाल तो आप लोगों ने खड़ा किया है. नारी अत्याचार, नारी अधिकार, उनकी दुहाई दे दे के मर्द जात का जीना मुश्किल कर दिया आप लोगों ने. अरे जीना तो हमारा मुश्किल हो गया है जब से आप इस थाने में आए हैं. हाँ तो इस बार भी हमेशा की तरह प्रूव कर देंगे कि गलती औरत की है. आपकी बार आप साबित कर ही दीजिए, दिखाई. हाँ तो करेंगे ना. आप कीजिए कीजिए. एक सेकंड मैडम प्लीज, आप जैसे आई थी वैसे ही आइए. और सर जैसे आप बाहर जा रहे थे वैसे जाइए. हाँ दीवान जी प्लीज, इज्जत का सवाल है, प्रूव तो करना पड़ेगा. देखिए देखिए दीवाना जी. दीवान जी. हाँ हाँ दीवान जी, हमारा पर्सनल लेवल पर ऐसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा घटना का ना एकदम ऐसे नाटकीय रूपांतर करते हैं. तो आप बन जाइए अमर सर और मैडम सर बन जाती है पुष्पा जी. नहीं नहीं नहीं, अरे इनसे नहीं होगा. करेंगे तो चलिए शुरू हो जाइए. इनका पर्सनल पूजा है, अभिनय बरसाने से पहले करती हैं. चलिए चलिए. हाँ शुरू करते हैं. एक दो तीन. देखा 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 आप लोगों ने कैसे ये रुक गई. वैसे ही हसीना मैडम रुक सकती थी लेकिन नहीं रुकी. इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जानबूझकर हमारे सर जी को धक्का मारा. अब सबकी बकवास अगर खत्म हो गई हो तो हम केस पर ध्यान दें, वो केस जिससे हमारी जीत और हार मुनस्सर है. आप लोगों को केस सॉल्व करना है तो करिए, क्योंकि हमारे सर तो केस कब का सॉल्व करके बैठे हैं. तो हम भी कोई खाली हाथ नहीं बैठे, हम भी केस सॉल्व कर चुके हैं. पूजा के असली गुनेगार ये है. तो मिस्टर कोच, अब आप सारी असलियत खुद उगलेंगे या करिश्मा सिंह से कहें कि अपने तरीके से उगलवाएं? देखिए चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपका बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ ठीक उसी दिन आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे. और इतना सबूत काफी है आपको जेल पहुंचाने के लिए. पता उस दिन हादसे वाले दिन आप जानबूझकर पूजा को थोड़ा 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 करके सरका के उस जगह पे लाके खड़ा कर रहे थे जहाँ पे निशाने वाले का निशाना सीधा सटीक उस पे जाके लगता. मैडम सर, ये उस नंबर की डिटेल्स है जिस नंबर से इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे पूजा को शिफ्ट करने के, और ये नंबर चोरी का है. बकोगे या अपने तरीका से निकलवाए हम? मैडम जी प्लीज, ये सब कुछ मत कीजिए. मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और सच सच बताऊंगा. उस दिन मैं कोचिंग खत्म करके बस जाने की तैयारी ही कर रहा था कि एक खिलौना आकर टकराया और उसमें एक लेटर रखा था. उस लेटर में ये लिखा था कि प्रैक्टिस के दौरान अगर मैंने पूजा को एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा कर दिया तो मुझे उसके बदले में पूरे 3 लाख रुपए मिलेंगे. और वो पर्टिकुलर जगह कहाँ होगी उसका इंस्ट्रक्शन मुझे फोन पर ही दिया जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि रुक्मणी के थीम को भी उसी ने बदलवाया था, और लेटर को फाड़ने के बाद जलाने के इंस्ट्रक्शन भी मुझे उसी लेटर के जरिए दिया गया था, ताकि उसे ये संकेत मिल जाता कि मुझे उसकी ये डील मंजूर थी. वाह क्या बात है, मतलब ऐसे केस सॉल्व किया आपने? अभी तक सिर्फ गोल गोल अंडा, ना ही गुनेगार का पता ना ही मोटिव का. अब मेरी बारी, मैं आपको बताता हूँ केस कैसे सॉल्व किया जाता है. तो मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इस मामले में ना कोई स्टाफ का ही आदमी शामिल है, इसलिए मैंने वहाँ के कारपेंटर जिसने टारगेट बोर्ड बनाया था और वहाँ के पेंटर दोनों को बुलवा लिया. अब वही बताएंगे कि असली मुजरिम कौन है. खेल खत्म, पैसा हजम.
बताइए ना दीवान जी, वो पेंटर और कारपेंटर से क्या बातचीत हुई? सर हुई तो है पर क्या? सेम सेम। क्या सेम सेम? सेम सेम नहीं सर, सेम सेम मतलब जो उनके साथ हुआ वही उन दोनों के साथ भी हुआ। मतलब सर मैंने उन दोनों को बहुत कूटा, बहुत मारा, लेकिन उन दोनों का यही कहना है कि उन्हें भी लेटर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस मिले थे और उन दोनों को नहीं पता कि ये लेटर किसने भेजा उन्हें। दीवान जी मतलब क्या है इस बात का? सर मतलब तो एक ही है कि ना मुजरिम का पता चला ना मोटिव का, यहां भी गोल गोल अंडा ही है सर। सर कभी कभार मैं आपको समझ नहीं पाता हूँ, कहाँ आप केस की जांच पड़ताल छोड़ के हाथी घोड़ों के पीछे लग गए। इस शतरंज खेल की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है दीवान जी? इसमें जो खिलाड़ी चाल चल रहा होता है उसके आगे की तीन चाल वो ऑलरेडी अपने दिमाग में चल चुका होता है। आपको उसके दिमाग को रीड करके अपनी अगली चाल तय करनी होती है। इस खेल में दिखाया कुछ जाता है, उसके पीछे का इंटेंशन कुछ और होता है और फाइनली हमें पता चलता है कि गेम तो कुछ और ही चल रही है। दीवान जी आपको नहीं लगता कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? हमें दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है और गेम कुछ और ही चल रही है। मैं कुछ समझा नहीं सर। दीवान जी ये केस सिर्फ एक ही सवाल पर टिका है, जिस दिन उस सवाल का जवाब मिल गया असली हमलावर खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगा। और सर क्या है वो सवाल? मोटिव। कहानी कुछ ऐसी है कि रुक्मणी एक बहुत ही गरीब परिवार से है जिसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है वो अपने दम पर किया है। बहुत ही उमदा कमाल की निशानेबाज है। रुक्मणी पर ये इल्जाम लगाया गया है कि उसने जानबूझकर प्रैक्टिस के दौरान लाइट जाने का बहाना करके अपनी कॉम्पिटिटर पूजा को जख्मी कर दिया ताकि पूजा इस कॉम्पिटिशन से निकल जाए, रुक्मणी का रास्ता साफ हो जाए और वो सिलेक्शन में फाइनल हो जाए। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट ये आ चुका है कि पूजा का लगाया हुआ इल्जाम अब उसी को भारी पड़ रहा है क्योंकि फेडरेशन ने डिसाइड किया है उसे डिस्क्वालिफाई करने के लिए। मतलब इन दोनों के ख्वाब तो ख्वाब ही रह गए। तो अब सोचने वाली बात ये है कि पूजा को इंजर्ड करके सबसे ज्यादा फायदा किसका है? रुक्मणी नहीं, वो तो ऑलरेडी इस केस के इल्जाम में इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुकी है और पूजा फिजिकली इंजर्ड है इसलिए वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगी। तो बचा कौन? बचा वो खिलाड़ी जिसका इन दोनों खिलाड़ियों को इस कंपटीशन से आउट करके सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। तो आपका कहने का मतलब ये है मैडम सर, ये मामला बचपन में चूरन से निकले उस स्टिकर की तरह है जिसे सीधा देखो तो कुछ और उल्टा देखो तो कुछ और नजर आता है। मतलब ये जो तस्वीर हम अभी देख रहे हैं इसे उल्टा करके देखे तो दूसरा पहलू ये है कि पूजा और पूजा के पिताश्री ने जानबूझ के प्रपंच रचा ताकि पूजा अपने आप को जख्मी कर ले और रुक्मणी पे आरोप लगा के रुक्मणी को इस पूरे प्रतियोगिता से ही आउट कर दे। इस बात में दम है, लेकिन अगर रुक्मणी को ऐसा करना ही था तो वो पहली बात पूजा को सिर्फ हाथ पर घायल क्यों करती? वो कहीं और घायल कर देती जिससे उससे ज्यादा चोट लगती। और दूसरी बात ये, वो ऐसा काम इतना ऑब्वियस तरीके से पब्लिकली क्यों करेगी? कहीं और करती तो उसका काम हो भी जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। पूजा के पिताश्री जो है ना मैडम सर, वो बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा नाटक करने में वो बिल्कुल सक्षम है। मैडम सर बात में दम है, आप क्या बोलती हैं? हम इस अभिजीत का कुंडली निकाले क्या? टटोलते हैं, इसके पीछे लगते हैं अभी, बताइए। लगना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी सोची हुई थ्योरी अगर थोड़ी सी भी करेक्ट है तो अभिजीत ही है जिसके जरिए हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। अभिजीत को अच्छे से इंटरोगेट करना ही होगा। मैंने पता कर लिया है सर। सर इस कॉम्पिटिशन में कुल मिला के तीन लड़कियां सिलेक्ट हुई, पहली और दूसरी तो पूजा और रुक्मणी है सर, तीसरी लड़की का नाम है रीमा। तो चलिए दीवान जी मिलते हैं रीमा से। यस सर। ये सर पता नहीं कब तक आएंगी पुष्पा जी, सुबह से पीछा करते करते भूख के कारण आंख सूख गया हमारा संतू जी।
प्लीज मैडम यहाँ पे हल्ला मत कीजिए, आगे जाइए। भैया उठो भैया, चलो भैया। भैया हेलो मैडम सर, आप कहाँ हो, कब तक पहुँचेंगे यहाँ पे? आपने जैसे कहा था हम अभिजीत का पीछा कर रहे हैं, यूएफडी बैंक में, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तुम लोग नजर रखो, हम बस पहुँच ही रहे हैं। अभी ना बैंक के अंदर अभिजीत ने 1,00,000 नकद निकाले। क्या 1,00,000? 1,00,000 निकाले मैडम सर नकद। हाँ वही 1,00,000। पुष्पा जी आप रहने दो, आपसे नहीं हो रहा। तो एक सेकंड पर 7,00,000 एक साथ, उसे ऐसे जरूरत क्या पड़ गई कैश की? वही तो। ओके करिश्मा सिंह, हमें अभिजीत के पीछे जाना होगा। आप तीनों वापस महिला पुलिस थाने जाइए, ऑपोजिट टीम को पता नहीं चलना चाहिए कि हम केस ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाले। जी जी मैम। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। आप मुझे बताएंगी कि रुक्मणी ने पूजा पर शूट क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बेस्ट कॉम्पिटिटर थी और वो नहीं चाहती थी कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके? नहीं सर, रुक्मणी ऐसी लड़की नहीं है। वो जितने अच्छे आर्चर है ना, उतनी अच्छी इंसान भी है। वो ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोच सकती। अच्छा अब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा नहीं है, हाँ मदर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। ठीक है, आप जाइए। क्या लगता है दीवान जी, एक क्लर्क की जॉब करने वाली मिडिल क्लास फैमिली की औरत की बेटी के पास इतना पैसा होगा कि वो किसी को हायर करे और ये सब प्लानिंग करे? नहीं सर, लगता नहीं है। दीवान जी मुझे इस फेडरेशन के हर इंसान से बात करनी है। लंका तो किसी घर के भेदी ने ढाई है, कोई तो घर का ही बंदा है। क्या भैया, ईमानदारी का रोटी छोड़ के बेमाने का बोटी खा रहे हो, शर्म नहीं आता है तुमको? हाँ वो क्या इंसान तुमको कितना पैसा देके गया बताओगे हमको, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे धोखाधड़ी के केस में। नहीं 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 मैडम, वो अपने साहब है ना अबजी साहब, वो चेयरमैन साहब से मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे? वो 7,00,000 रुपए देने के लिए। किस बात के 7,00,000? अबजी साहब की लड़की फाइनल राउंड में है ना, और चेयरमैन साहब फाइनल राउंड के हेड है, तो आप समझ सकती है कि 7,00,000 रुपए किस लिए। मुझे तो बस अभिजीत साहब का यह ऑफर चेयरमैन साहब तक पहुंचाना था और दोनों की मीटिंग कराना था। इसके लिए कुछ पैसे अभिजीत साहब ने मुझे दे दिए। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये बात जानते हैं। अच्छा सुनो, अब तुम्हें क्या करना है वो सुनो। सबसे पहले ये जाओ जाओ। करिश्मा सिंह जी, इससे एक बात का तो पता चली गया है कि अभिजीत अपनी बेटी का सिलेक्शन करवाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लोगों को 7,00,000 रुपए दे रहा है, आदमी खरीद रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अभिजीत ने ही ये पूरा प्रपंच किया हो, ये पूरी साजिश रचाई हो और पूजा उसका साथ दे रही हो? अंधेरे का फायदा उठाकर उसने खुद को जख्मी कर लिया ताकि सारा इल्जाम रुक्मणी पर आ जाए। हो सकता है ये हो, पर ये भी एक संभावना ही है मैडम सर। जब तक सच का पता नहीं चलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए फिर सच का पता लगाते हैं। चलिए दीवान जी, आपके हिसाब से घटना वाले दिन वहां 39 लोग मौजूद थे, 6 प्लेयर्स, एक कोच, एक इलेक्ट्रिशियन, 2 वर्कर, चेयरमैन और बाकी प्लेयर्स के पेरेंट्स, जिसमें अभिजीत भी एक था। जी सर। सर एक कॉल आ रहा है। हेलो। अच्छा ओके ओके सर, अभी अभी बने खबरी नेटवर्क से पता लगा है कि हसीना मैडम भी अभिजीत के पीछे है, और अभिजीत ने बैंक से 7,00,000 रुपए निकलवाए और चेयरमैन से मिलने की फिराक में है। सर यहाँ तक कि चेयरमैन के गार्ड्स को भी रिश्वत खिलाई गई है। शाम 5 बजे का जुगाड़ हुआ है चेयरमैन से मिलने का। अलर्ट अलार्म दीवान जी, ये हमारे कॉम्पिटिटर तो कुछ ज्यादा स्पीड में है। हमें भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हमसे पहले ये केस सॉल्व कर लेंगे। जी सर। दीवान जी क्या बताया आपने, ये
कब मिलने वाले हैं ये अभिजीत और चेयरमैन? 5 बजे सर। 5 बजे। मैडम जी, आपने जो माइक दिया था उसे मैंने चेयरमैन साहब के ऑफिस में लगा दिया है। ओके, वेरी गुड। मीटिंग फिक्स हो गई? हाँ मैडम। ठीक, गुड। देखिए चेयरमैन साहब, पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता आप रुक्मणी को डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते। ये कानून गलत है, बेचारी का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उसे पूजा पे हमला करने से पहले सोचना चाहिए था। हमारे फेडरेशन के भी कुछ नियम और कायदे हैं, उसी का पालन हो रहा है। जब तक पुलिस उसे कानूनन क्लीन चिट नहीं दे देती तब तक उसके अभ्यास पे अंकुश रहेगा। अजीब आदमी है आप। हमें जरूरत है आज रुक्मणी जैसे टैलेंट की जो विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम लेकर जाए, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम रोशन करे। और आप है कि अपने घटिया रूल्स एंड रेगुलेशन से चिपके बैठे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से हम मेडल नहीं ला पाते क्योंकि रुक्मणी जैसे टैलेंट यही आपके इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्र में फंसकर दम तोड़ देते हैं। आपको 15 दिन का वक्त देना चाहिए था ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से हो सके और रुक्मणी जैसे टैलेंटेड प्लेयर का करियर भी बर्बाद ना हो सके। 15 दिन का वक्त मांग रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए? कोई लीड नहीं मिला होगा ना मैडम सर इसलिए। तो आ गया चेयरमैन साहब से मिलना है, फ्री हुए वो? नहीं नहीं, चेयरमैन साहब तो अभी भी मीटिंग में बिजी हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ। जी देखिए, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं इंसान की हैसियत नहीं उसकी वाइब देखकर बात करता हूँ मिस्टर चेयरमैन। एंड सॉरी टू से, आपकी वाइब ना बहुत ही नेगेटिव और विलनिश है। कहने का क्या मतलब? मैं विलन हूँ? मतलब फेडरेशन के सारे रूल्स फॉलो किए तो मैं विलन हो गया? यही तो हमारी ट्रेजडी है सर। जिस इंसान को जिस फील्ड की नॉलेज नहीं है उसे वहां के सबसे बड़ी पोस्ट पर बिठाया हुआ है। एंड आई एम श्योर आपने खुद तो लाइफ में कभी तीर कमान को उठा के देखा तक नहीं होगा और जज कर रहे हैं उस टैलेंटेड प्लेयर का करियर। समझ क्या रखा है आपने मुझे ऑफिसर? कोटा कोटा खेल कर पहुंचा हूं, नेशनल चैंपियन रहा हूं तीरंदाजी में। अरे छोड़िए सर, बहुत देखे ऐसे हवाई किले। जंगल में मोर नाचा देखा किसने? आपने बोला और मैंने मान लिया? अरे अपने दावे पर इतना यकीन है ना तो उतरिए मैदान में, प्रूव करिए कि कितने बड़े तीरंदाज हैं आप। एक बात बोलूं आपको, अरे आपसे अच्छी तीरंदाजी तो मेरे जैसा नौसिखिया भी कर लेगा। हिम्मत, उतरिए मैदान में, खुला चैलेंज। आपकी बारी चेयरमैन सर। पर सर ये तो बराबरी का मुकाबला हुआ ना, ना कोई जीता ना कोई हारा, ये तो टाई हुआ। अरे दीवान जी, अभी हमारे हुनर के तरकश में और भी तीर बाकी है। अभी हम अपनी आंखों में पट्टी बांधेंगे फिर निशाना लगाएंगे। क्यों चेयरमैन सर, आप ऐसा कर सकते हैं? ये तो बच्चों के खेलने की चीज है, ऐसा क्या जो हम नहीं कर सकते। जाइए काली पट्टी लेके आइए आंखों में बांधने के लिए। अब तो आपको शक नहीं ना हमारी काबिलियत पर। चलिए अब आपकी बारी, देखते हैं किसमें कितना है हुनर। हुआ आने का काम नहीं है तीरंदाजी दरोगा जी, सालों का अनुभव और घिसाई करनी पड़ती है इस कला में पारंगत होने के लिए। दोबारा ये कहने से पहले कि फेडरेशन को कैसे चलाते हैं, जाइए पहले सीख के आइए कि किससे कैसे बात करते हैं। चलिए कुमार जी।
बहुत बढ़िया संतोष शर्मा, चीता से कही कि उन दोनों को लेकर फौरन थाने आ जाए। हाँ चलिए, फाइनली ये केस सॉल्व हो ही गया। ऐसा आपको लगता है सीना जी, झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है, और हम उसी को सच समझकर झूठ की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं बस। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं सीना जी, एंड आई एम श्योर आपको जो लगता है इस केस में वो सच नहीं है। और आपको क्या पता कि हमें क्या लगता है? हसीना जी, वर्जन चाहे कितने भी हों सच के, लेकिन सच तो एक ही होगा ना। और अगर सच वो है जो मैं जानता हूँ हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायरेटेड वर्जन ही होगा ना। बहुत बढ़िया संतोष शर्मा, चीता से कही कि उन दोनों को लेकर फौरन थाने आ जाए। हाँ चलिए, फाइनली ये केस सॉल्व हो ही गया। ऐसा आपको लगता है सीना जी, झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं हसीना जी, और अगर सच वो है जो मैं जानता हूँ हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायरेटेड वर्जन ही होगा ना। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि आप जो जानते हैं वही असली सच है? क्योंकि मेरे सच में लॉजिक होता है हसीना जी, और मेरा सच हमेशा गहराइयों से जुड़ा होता है। माफ कीजिएगा सर, पर हमारे समझ में आने वाला बात कहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी एक नया नतीजा है केस सॉल्व करने का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका नतीजा सही है और मैडम सर का नहीं? जी है तो कुछ ऐसा ही। और अब जब हमने ये केस सॉल्व कर लिया है तो क्यों ना स्कोर भी लिख लिया जाए। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, ये केस तो मैडम सर ने सुझाया है ना, तो कायदे से ये नंबर उनको मिलना चाहिए ना। वो तो वक्त ही बताएगा पुष्पा जी, और वैसे भी थोड़ी देर में सच सबके सामने होगा, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, तो ये बोर्ड भी यही है, ये चौक भी यही है, और आप भी यही है, इसे मिटा के ठीक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखते हैं। तो हसीना जी, लेडीज फर्स्ट, पहले आपका सच, प्लीज प्रोसीड। शुक्रिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मिस्टर अभिजीत ही हैं असली गुनेगार। इन्होंने अपने पैसों के दम पर जानबूझकर रुक्मणी को फंसाया ताकि सिलेक्शन के दिन इनकी बेटी पूजा के लिए रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुक्मणी जो है इनकी बेटी से ज्यादा टैलेंटेड है, ऐसे में उनकी बेटी का सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। तो हमारे हिसाब से यही है इस केस का असली सच और यही है असली गुनहगार। कोई सबूत है आपके पास जो भी अभी आपने कहा? सर, हमने इन्हें चेयरमैन को 7 लाख रिश्वत देते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। हाँ, पर ये तो सिर्फ रिश्वत का मामला ही प्रूफ हुआ ना, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड ये हैं, ये तो प्रूफ नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग अपनी बेटी पूजा की सिलेक्शन के लिए की है, तो पूजा का शोल्डर तो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है, कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, और सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ 3 ही दिन बचे। तो फिर फायदा क्या हुआ इनकी इतनी बड़ी साजिश रचने का, इतना केओस क्रिएट करने का? आप प्लीज हम नादानों को समझाएंगे। देखिए, ये सच है कि मैंने चेयरमैन साहब को रिश्वत दी, लेकिन इसलिए कि चेयरमैन साहब चैंपियनशिप की डेट को 2 दिन आगे बढ़ा दे ताकि मेरी बेटी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सके और अपना बेस्ट दे सके, वरना वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी और ये सदमा झेल नहीं पाती। शतरंज खेलती हैं सीना जी? ऑफ कोर्स खेलती हूँ, दानिशमंदों का खेल जो है, और आप ठहरी दानिशों की दानिश। तो आज सुबह ही मैं दीवान जी को बता रहा था कि शतरंज खेल में क्या होता है, कई बार सामने के दोनों मोहरों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि पीछे के अहम मोहरे के लिए रास्ता बनाया जाता है, और इस केस में भी उसी स्ट्रेटजी का यूज हुआ है। क्योंकि इस केस का असली गुनहगार ना तो पूजा के फादर हैं, ना पूजा और ना ही रुक्मणी। इस केस का असली गुनहगार वो शख्स है जिन्होंने अपना मोहरा आगे बढ़ाने के लिए पूजा और रुक्मणी जैसे दोनों मोहरों को अपने रास्ते से हटा दी, एक पर हमला करवाकर और दूसरे पर हमले का आरोप लगाकर। और वो शातिर खिलाड़ी कोई और नहीं, ये है
क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ भी बके जा रहे हैं, जानते ना किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? चेयरमैन हूं मैं फेडरेशन का, सबकी नौकरियां जाएंगी बता रहा हूं मैं। और सबूत क्या आपके पास? हाँ तो चेयरमैन साहब, शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरी भी सुई उसी बात पर आकर अटक गई थी कि तीर चलाने वाले को कैसे पता चला कि कंधे के कौन से हिस्से में तीर चलाएं जो उतना घाव हो कि वो इतने दिनों तक रहे। ये तो किसी एक्सपर्ट का काम ही हो सकता है। और इस कहानी के अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट कौन थे? आप। और तीर चलाया गया अंधेरे में, फिर भी एकदम सटीक जगह पर जाकर लगा। और इतना शार्प, इतना अचूक, इतना तेज निशाना लगाने में माहिर कौन? आप। और चेयरमैन साहब, आपका ये तो हुनर हम सभी देख चुके हैं। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जो हमें दिखाया था। और चेयरमैन साहब इतने शातिर हैं, ये काम इन्होंने खुद नहीं किया, ये काम इन्होंने करवाया अपने ही जैसे होनहार स्टूडेंट से। श्रीवास्तव जी, अब सवाल ये है कि इन्होंने रीमा के लिए इतना कुछ क्यों किया? क्या रिश्ता है इनका रीमा के साथ? रिश्ता है बाप और बेटी का। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा नहीं है, हाँ मदर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। रीमा त्यागी हमारे चेयरमैन साहब विनय त्यागी की सुपुत्री है। वो बेटी जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था, इनके साथ काम करने वाली उस महिला की बेटी जिसके साथ इनके रिश्ते को कभी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसे प्यार बहुत किया। और करते भी क्यों नहीं, बेटी है इनकी, और एक बाप अपनी बेटी के लिए जितना करे उतना कम। पूजा और रुक्मणी भी किसी की बेटी है चेयरमैन साहब। अगर आपने खुद को उनके पिता की जगह रखकर सोचा होता ना, तो आप ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। ये नहीं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचते। ये आपका काम है सही टैलेंट पहचानना और उसे अपनी जगह पर पहुंचाना, जो आपने नहीं किया। आप जैसे करप्ट और घटिया लोगों की वजह से हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो अभी तक अंधेरे में हैं। उनका हुनर तो दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता आप जैसे लोगों की वजह से। इसलिए आपको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। आइए आइए, हो गया हो गया, प्यार से आइए, खुद सच। बाकी मानना पड़ेगा, आपका सच तो सच में गहराइयों से जुड़ा हुआ निकला। आपने ठीक कहा था कि झूठ सच का ही रिफ्लेक्शन होता है। हम खामखा झूठ की गहराइयों में भटकते रहे, अच्छा हुआ कि आपने सच से हमें रूबरू करवा दिया। तो ये केस आप ही के अकाउंट में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस, डिजर्व करते हैं आप। शुक्रिया मैडम। सर थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो भी किया उसके लिए ये तो बनता है। अब थाने का फोन काम नहीं करेगा तो फिर देश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक से काम करेगी बताइए आप। ना 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 ना, ना। हम वहाँ नहीं आएंगे, आप यहाँ आकर देखिए फोन में क्या खराबी है, समझ गए ना जी। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ही बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। लिखिए। पुष्पा जी इतनी परेशानी है तो हमारा नंबर दे दीजिए ना, आपका भी काम हो जाएगा और हमारी बदनामी चार्ज बिक जाएगी। थाने के काम के लिए तुम्हारा नंबर बांटते फिरे हम। बकैती कर आपकी बकरी भाग गई है तो उसमें पुलिस क्या करेगी? बांध के रखना चाहिए था ना अपनी बकरी को। अब पुलिस के पास और कोई काम नहीं है जो आपकी बकरी को पकड़े। और पूरे शहर में ये मोबाइल नंबर कंप्लेन लिखवाने के लिए बांटा है, टाइम पास करने के लिए नहीं। क्या ये बात अच्छी है? थाना हड़पने के लिए अच्छा पैतरा आजमाया आपने। हम सब समझ गए, सब लोगों को अपना नंबर बांट दिया और थाने का नंबर जानबूझ के काट दिया ताकि सब कंप्लेन करने के लिए आपके मोबाइल पे आपको फोन करे, आपके नंबर ज्यादा हो, फिर आप हमारे थाने पे कुंडली जमा के बैठ जाए। हाँ छी 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 छी, इतनी खुराफाती सोच एक औरत की हो सकती है? वो तो है। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है हमारे मोबाइल नंबर बांटने से, तो जाइए आप भी पूरे शहर में नंबर बांट आइए, लैंडलाइन पर क्यों निर्भर है? अरे हाँ बदनाम भाई, पुष्पा भाई चलिए हम लोग बांटते हैं। हमें कंटाप लगाए, बैठ जाओ चुपचाप। अगर ऐसा है तो फिर आपने केस लेने से मना क्यों कर दिया? अगर आपको नहीं सुलझाना था केस तो हमें बताते, बकरी ढूंढ के देते ना। अरे मतलब तो जनता की सेवा से ही है ना। सब समझ रहे, मतलब है स्कोर बढ़ाने से, मतलब है हमें हराने में, मतलब है इस थाने को हड़पने में, क्या हम समझते नहीं कुछ? पुष्पा जी ये भी आपको पहचान गए।
इस आदमी से बात करना मतलब मौत है। हाँ हाँ तो जाइए, कीजिए हमारी मौत की कामना। अरे क्या सॉरी सॉरी संतोष जी सॉरी। अरे क्या कर रहे, जब भी छींक आ रहा है लगातार हैट्रिक मार दे रहा है, तीन बार आ रहा है, एक बार दो बार आ ही नहीं रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो ऐसा हर बार लग रहा है कि छींक आएगा। चीते पता है तुमको, लल्ला के पप्पा को जब भी छींकें आती थी ना ऐसे ही आती थी लगातार तीन बार। बाप रे, छींकते थे भोंकते थे। आपकी लाइफ में कभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ? अरे पगली, तभी तो हमें पता चला कि जिस इंसान को ऐसे लगातार तीन छींकें आती है ना उसका दिल बहुत साफ होता है। सच में पूछ पर देखिए संतु जी, देखिए ती नाक, नाक साफ होना चाहिए छींक से बचने के लिए। ऐसे हमारे दादाजी। यार क्या हुआ दीवाना जी? सत्यानाश हो उस इंसान का जिसने मुझे जीवन भर का दर्द दे दिया। अगर मुझे वो इंसान मिल जाए ना तो मैं उसे दीवार में जिंदा चुनवा दूं। नहीं नहीं, हमें दीवार में मत चुनवा, हमें दीवार में मत चुनवा। नाहरिक इकबाल, तुम इनकी सहायता कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखना उधारे का एक रुपया भी नहीं चुकाएंगे अब हम। वो हम करिश्मा मैडम से ले लेंगे। ये देखिए पुष्पा, बंदूक हटा लीजिए प्लीज। क्या चाहती है आपके साथ हम भी जाएं, शहीद हो जाएं? नहीं हमें छोड़ दो। मेरे बच्चा, मुझे बचा। माँ मैं तुम्हें बचा लेता लेकिन ये देखो कुलचा चाचा ताने हुए है बंदूक। माँ रे अनहार, अकेली को मत चुनवाओ, ये चुनवाई रोक दो, मेरी सुनवाई सुनो। मेरे बच्चा। माँ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हमको दीवार में चुनवाने का सपना देखती थी, आज दीवार ने खुद इनको चुन लिया है। पोता चाहिए पोता चाहिए पोता, दिमाग खा गई हमारा, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हेलो सर, हेलो सर, पार्सल है। किसका पार्सल है भाई? जैन सर। सर नाम तो नहीं लिखा सर, पर एड्रेस यहीं क्या सर? अरे मेरे बेटे की यूनिफॉर्म आने वाली थी, मेरा ही होगा। नहीं नहीं एक मिनट, हमने भी हमने हमारा यूनिफॉर्म फिटिंग कराने के लिए दिया था, ये हमारा पार्सल है। आपको कैसे पता ये आपका पार्सल है? आपको कैसे पता कि ये आपका पार्सल है? जाकिर टेलर से पार्सल। आई थिंक ये आपके वाला पार्सल, जस्ट एन इंट्यूशन यू नो, खोलकर देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो ये तो है ही। दीजिए। हाँ यही हमारा पार्सल है, शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। अरे हसीना जी, प्लीज यहाँ बैठी आइए, ये मुझे दे दीजिए। फर्स्ट एड किट कहाँ रखती है? चमगादड़, हाँ?
अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। थैंक यू सो मच। भरोसा कर सकती हैं हसीना जी, धोखेबाज दोस्तों से भरोसेमंद दुश्मन भले, सयाने कह के गए। अब आप दोनों बात कर सकते हैं और इन्हीं से पूछिए कि इनको किससे बात करनी है, अमर सर से बात करनी है कि मैडम सर से बात करनी है। हाँ जी, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपके? अरे पीछे हट जाइए, सर पे बैठेंगे क्या? हाँ हाँ, हर बार हमें ही हटना पड़ता है ना, आप औरत तो मर्द के लिए हटेंगे ही नहीं। शुरू औरतों के लिए जहर उगलना शुरू। और आप जो सीधा दस्ती है उसका क्या? सर या मैडम, आप जो भी है ना, आप ना बाद में फोन कीजिए, ये दोनों लोग बहुत ज्यादा व्यस्त है झगड़ा करने में। नहीं नहीं नहीं, कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? अगर रिपोर्ट दिखानी है तो हमारे पास लिखवाइए, हमें हेड कांस्टेबल हरिंदर सिंह उर्फ दीवान जी, पूरे न्याय की गारंटी। और सुनिए, हम तो ना न्याय के साथ साथ आपको 2 कप चाय और दोपहर के खाने में राजमा चावल हमारे हाथ का बना हुआ फ्री देंगे। और इसलिए हमारे पास लिखवाइए, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे। पुष्पा, फ्लावर नहीं है, आ गया यार। आप जल्दी से अपनी कंप्लेन बताइए, वरना पुष्पा जी थाने में फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है जो कभी भी फट सकता है। आप जल्दी से अपनी कंप्लेन बताइए, वरना पुष्पा जी थाने में फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है जो कभी भी फट सकता है, और जो ऐसा हो गया तो आधे से ज्यादा शहर राख का ढेर बन जाएगा, वो भी सिर्फ मिनटों में। तो जो तुम्हें इस शहर को इस तबाही से बचाना है, 15 मिनट में SHO अमर विद्रोही से बात करवाओ मेरी। हेलो, आप कहाँ? हेलो, कट गया, कट गया। सरदीप, सर, फोन करने वाली एक महिला है तो बात करने वाली भी महिला ही होनी चाहिए। मैडम सर करेंगे उसके साथ बात। लो और सुनो, जब कॉल करने वाली महिला कह रही है कि सर जी से बात करेंगे तो सर ही बात करेंगे ना। सर, इनकी बेमतलब की बहस पे अगर बम फट गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक मिनट, हमारे पास इस बकवास के लिए वक्त है ही नहीं। ये मामला बहुत सीरियस हो चुका है, अगर वो लड़की इनसे बात करना चाहती है तो इनसे बात करवाइए, हम कोई चांस नहीं ले सकते। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, लड़की आतंकवादी भी हो सकती है। सर, पुष्पा जी, उस लड़की की आवाज कैसी थी? मुझे तो मजा नहीं आया। वो हम मैडम सर, वो ये हमारे साथ बहुत बहस कर रहे थे ना, तो हम उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाए। हम बहस कर रहे थे, आप? अरे आप ही तो कर रहे थे। हाँ चुप, दोनों में से किसी ने भी एक शब्द और बोला ना तो लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी। कब से किट 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 सुन रहे हैं, वहां बॉम्ब लगा हुआ है, उसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप लोग? लगे हैं मुर्गा लड़ाई, अब शांत रहिए और काम पे ध्यान दीजिए। सर लेकिन अब तक कॉल नहीं आया। आएगा दीवान जी, जरूर आएगा। अब डायरी पेन लेके रेडी रहिए, हर छोटी से छोटी बात नोट कीजिए। करिश्मा सिंह, आप जी, मौका मिलते ही मैं आपको इशारा करूंगा, मेरा इशारा मिलते ही आप DSP सर के साथ फोन कनेक्ट करेंगे, सिचुएशन के बारे में उनको बताएंगी। जी जी। अगर किसी टेररिस्ट का कॉल हुआ तो यहाँ नेगोशिएशन की सिचुएशन आ सकती है, इसलिए हमें DSP सर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और संतोष शर्मा, आप? सर सर सर, वो हमारी टीम में है। पुष्पा जी प्लीज, आप ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जी, आप भी रेडी रहिएगा, कॉल उठाते ही आपको ट्रेस और टैप दोनों करनी है। हो जाएगा सर। जी, सब रेडी? रेडी, रेडी। यस। हेलो, अमर विद्रोही बोल रहा हूँ, कौन बात कर रहा है? मैंने शास्त्री मंडी में 15 बम लगा दिया है। कितने? 15 बम, एकदम जिंदा बम। फटेगा तो सब ले उड़ेगा। अगर मेरे बम फोड़ने से पहले बम उड़कर फटने से रोक सकते हो तो रोक लो, और आम जनता को मरने से बचा सकते हो तो बचा लो। तो लगी रेस, से पहले पहुंचो शास्त्री मंडी और धूड़ो बम, वरना सारी मार्केट सब हवा के फुक्कों की तरह उड़ जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो,
भागो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या लगता है मैडम सर, ये कोई टेररिस्ट है या कोई पागल का प्रलाप? ये सोचने का हमारे पास समय नहीं है, हमें शास्त्री मार के जाना होगा। हाँ मैडम सर। क्या लगता है सर? मुझे लगता है कोई टेररिस्ट है। आपको ऐसा क्या लग रहा है? 15 बॉम्ब प्लांट करने वाली लड़की की आवाज में ना कोई वजन ना कोई असर, 18-19 साल की बच्ची की आवाज, जानबूझकर आवाज में पैदा किया हुआ नकली खौफ। वो हमें मौत से मारने की धमकी तो दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज खुद बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। कॉलेज जाने वाली कोई आम सी साधारण सी लड़की लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी लखनऊ आई है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज उसने सीखी नहीं है। देखते हैं मेरे सब कैसे पहुंचते हैं। ये जो भी है टेररिस्ट ना ही सही, अगर इसे बॉम्ब ब्लास्ट करना ही होता है कब का कर चुकी होती है। हमारे साथ इस तरह के खेल नहीं खेलती। ये मामला कुछ और ही है दीवान जी, उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्या लगता है आपको मैडम सर, कोई नया आतंकवादी संगठन कार्यरत हुआ होगा? क्योंकि इतने सारे बम एक साथ प्लांट करना किसी अकेले के लिए संभव नहीं है। पुष्पा जी नहीं, हमें लगता है कि ये लड़की अकेली है। इनफैक्ट इसका अकेलापन, इसका जो दर्द है ना, इसकी आवाज में साफ साफ सुनाई देता है। हो सकता है कि ये मदद चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही, या ये हो सकता है कि वो किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो, किसी से खफा हो, उसका बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। भैया जल्दी चलिए प्लीज। तो मानसिक रोगी हो सकती है? अगर ऐसा है तो ये और भी बड़ी मुसीबत है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। पुष्पा जी एक बात को लेकर हम बिल्कुल श्योर है कि ये लड़की टेररिस्ट तो बिल्कुल है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पुष्पा जी क्योंकि टेररिस्ट ब्लास्ट पहले करते हैं और फिर फोन करते हैं, इस लड़की ने उल्टा किया है। चलिए चलिए जी जल्दी चलिए। मकसद चाहे जो भी हो लेकिन इतना तो तय है कि पेशेवर मुजरिम नहीं है वो लड़की। जब वो फोन पे बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस डालकर बात कर रही, और उसकी आवाज के खालीपन से ये लग रहा था कि कितनी अकेली और डरी हुई है वो लड़की। संतोष शर्मा कॉल ट्रेस नहीं हुए ना? नहीं सर। होगा भी नहीं, जो भी है इतना बेवकूफ तो है नहीं। VPN लगा के कॉल किया होगा, इंटरनेट से कॉल किया होगा, इसलिए तो लोकेशन तो कहीं भी बता देगा। सर अगर सिम ट्रेस करे तो? हाँ। नहीं सर सही कह रहे हैं, अगर कॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो सिम वही एड्रेस बताएगा जो यूजर चाहेगा। लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी शास्त्री मंडी के लोगों को सेव करने की होनी चाहिए। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। मूव। संतोष शर्मा उसका फोन दोबारा आ सकता है, यू बी अलर्ट। यस सर। मात्र 250 रुपए में सेल है, सेल है, सेल है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल है, सेल है, सेल है, मात्र 250 रुपए में ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेल है, सेल है, सेल है, आइए आइए आइए। भाई साहब सुनिए, माइक देना। आप साड़ी बेचेंगे? माइक दो। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सरकार का एक बहुत ही खास काम यहाँ होने वाला है, आप लोगों को ये जगह खाली करनी होगी। चलिए जगह खाली कीजिए। सरकारी निवेदन है, कृपया ये जगह खाली कीजिए, यहाँ बहुत खास काम होने वाला है। दुकानदारों को छोड़ के सब जगह खाली कीजिए। पुष्पा जी, पुष्पा जी, जितने भी दुकानदार हैं उनको सबको इकट्ठा करके थाने लेकर चलते हैं, ठीक है? आप उधर बोलिए। हाँ। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए 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 जल्दी चलिए। अरे यार चिचा, आप हमारे साली हैं क्या? साली हैं क्या कि हम आपसे मजाक करेंगे? गजब कर रहे हैं यार चिचा आप। अरे कोई सरफिरा सच में यहाँ पर बॉम्ब लगाकर चला गया है? आप बॉम्ब निरोधक दस्ते के संचालक हैं, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आइए। हाँ नहीं तो कोई घटना उतना घट गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको भी, बताते रहिएगा फिर झुंझुना बैठ के आप। अरे भाई महिला थाने वालों को हम बॉम्ब स्क्वाड वालों की क्या जरूरत पड़ गई? कौन सी सास ने अपने बहू की सब्जी के थैले में बॉम्ब रख दिया? कौन सी देवरानी ने अपने जेठानी को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली? आप लोग भी ना फालतू में टाइम पास। नो टाइम पास कॉल। आप फोर्थ का सबसे बहादुर और जिम्मेदार विभागों में से आता है हमारा बॉम्ब स्क्वाड, और तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार और बेवकूफ लोगों की वजह से पूरे विभाग की कार्य कुशलता और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इतनी गंभीर स्थिति में तुम्हें लगता है हम तुम्हारा मजाक करेंगे? अब तुम आते हो या हमारे लेने तुम्हें? देखिए मैडम आदमी है कि पाइप। SHO अमर विद्रोही बोल रहा हूँ, 10 मिनट में मुझे आपकी बॉम्ब स्क्वाड यहाँ चाहिए पूरे दल बल के साथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी पहुँचते हैं, बस निकल गए समझिए।
सब लोग अंदर आइए। आइए पुष्पा जी। जी मैडम। तुरंत सबका नाम एड्रेस सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करिए और देखिए उस लड़की के बारे में क्या पता चलता है। जी बताइए इन्हें सब कुछ। मैडम सर सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, हम बताते हैं। बताइए नाम। कुछ भी नहीं मिला। क्या लग रहा है, कोई प्रैंक का एंगल तो नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, प्रैंक तो ये बिल्कुल नहीं है, ये से कहीं ज्यादा सीरियस मैटर है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। सर इतना बड़ा खुला मार्केट में बॉम्ब ढूंढना एकदम भूसा के ढेर में सू ढूंढने के जैसा है। सर हमको पूरा यकीन है कोई ना हम लोग का फिरकी ले रहा है। सर नहीं चीता महाराज, कोई फिरकी नहीं ले रहा है। उस लड़की की बातों में बिल्कुल मजाक नहीं था, बॉम्ब तो जरूर है लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? पुलिस थाना। ये लीजिए मैडम सर। हाँ सबके नाम और नंबर लिखे हैं। मगर मैडम सर कामकाजी लोग हैं, रोज की तरह अपना दुकान ठिया संभाल रहे थे, किसी को लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये यहाँ पे तो सिर्फ 8 ही लोग हैं लेकिन हम जब मार्केट से आए थे तब हमें अच्छे से याद है 9 लोग आए थे। पुष्पा जी तुरंत सबको थाने से बाहर निकालिए जल्दी। क्या हुआ मैडम सर? क्योंकि मार्केट में नहीं यहाँ महिला पुलिस थाने में बॉम्ब है। निकालिए निकालिए। चलिए 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 छोड़िए ये सब, चलिए चलो बाहर चलो जल्दी। पुष्पा जी जल्दी, संतोष शर्मा जल्दी जाइए। क्या कर रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं? अंदर बॉम्ब है, हमें देखना है। बेवकूफी मत कीजिए हसीना मलिक। छोड़िए, आपके अंदर जाने से बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो जाएगा, बॉम्ब स्क्वाड पहुंच रहा है। हाँ लेकिन तब तक अगर ब्लास्ट हो गया तो हमारा थाना रहेगा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपका ही थाना नहीं मेरा भी थाना। अरे बात सुनिए। हाँ प्लीज अंदर जाइए, जाइए जाइए अंदर जाइए। चलिए हाँ हम ठीक। सर बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुका है, बॉम्ब एनालाइज किया जा रहा है, डिफ्यूज कर दिया जाएगा। नो वरी सर, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। नहीं नहीं सर, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला है, वो फुटेज डिलीट हो चुकी थी। क्या हुआ पुष्पा जी, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, चीता सुन तो सीसीटीवी फुटेज देख रहे इस एरिया के मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। जस्ट होल्ड ऑन सर। जी बताइए क्या सिचुएशन? सिचुएशन कंट्रोल में सर, ये बम ऐसे ही नहीं फटने वाला, इसमें कोई कमांड ड्राइव, रिमोट कंट्रोल या कोई टाइमर नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ फेंकने से फटेगा। इट्स अ काइंड ऑफ हैंड ग्रेनेड। ठीक है आप इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हवाले कर दीजिए, आगे हम देख लेंगे। श्योर। यस सर। डोंट वरी सर। मैडम सर आखिर दुश्मन ही काम आया, उसने आपकी जान बचाई है तो एक शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है ना। हाँ दुश्मन है मगर इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, आप दुश्मन खेमे में शामिल हो जाइए अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है, और फिर प्लेट में परोस के दे दीजिए हमारा महिला पुलिस थाना। अरे अरे क्या, देखिए हम आपकी तरह छोटे दिल वाले नहीं है, अब दुश्मन तारीफ के काबिल है सो है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, हम आपकी तरह जल खुकड़े नहीं है। मैडम सर उनको छोड़िए, आप हम क्या कह रहे हैं बोल दीजिए ना। शुक्रिया। अच्छा ठीक है देखते हैं मैडम सर, हम इसे फॉरेंसिक लैब लेके जा रहे हैं। जी थैंक यू। चाहिए मैडम सर मिस्टर अमर देखिए अगर दोबारा ऐसी बेवकूफी करने का दौरा पड़े तो मुझसे उम्मीद मत रखिएगा बचाने की, मुझे कोई शौक नहीं है किसी नॉनसेंस के साथ अपनी जान खतरे में डालने का। एक मिनट, इन्होंने हमें नॉनसेंस कहा क्या? जी मैडम सर, वो भी मुंह पर, वो थोड़ी सी बेइज्जती की ज्यादा। जैन सर। हे सब सो
ये टाइम पे पहुंच गए थे ट्यूशन पिकअप करने? ये तो हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं पहुंच पाते। सही कहा सर। दीवान जी, आपको किसी फाइल पे काम करना था ना? समझ गया सर। बहुत बोलने लगे तुम। चलो तो बताओ क्या खाओगे? हाय, रिमेम्बर मी? हम केक कंपटीशन वाले दिन मिले थे। या ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर यू, मुझे सब कुछ याद है। दिशुं, दिशुं, दिशुं। अच्छा ये देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास है तुम्हारा यूनिफॉर्म। वाओ, माय न्यू यूनिफॉर्म। पापा, आप तो कह रहे थे मेरी यूनिफॉर्म घूम गई, फिर ये यूनिफॉर्म कहाँ से आई? आप कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या है ये सब? मेरी चीजें कब से चुराने लगी आप? व्हाट व्हाट व्हाट, मेरे बच्चे की यूनिफॉर्म आपके पास कहाँ से आ गई? लिसन, नो यू लिसन टू मी, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो अभी आपने किया है ना, इसे हल्कापन कहते हैं। मतलब मेरे ही बच्चे की यूनिफॉर्म चुरा कर, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को यूनिफॉर्म लौटा कर, मुझे उसकी नजरों के सामने यूजलेस और इर्रिस्पॉन्सिबल प्रूव करके, खुद को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करके आखिर साबित क्या करना चाहती हैं आप? आप ना बकवास करना बंद कीजिए मिस्टर अमर विद्रोही। सर, मसल बनाने से कुछ नहीं होता, आपको अकल से भी काम लेना चाहिए जो पूरी तरह खराब हो चुकी है। हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया, हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। गलती से हमारे ये थैले एक्सचेंज हो चुके थे, मेरा यूनिफॉर्म आपके पास चला गया था और आपके बच्चे का यूनिफॉर्म मेरे पास आ गया था, जो मैं लौटा रही हूँ इसे। हमारे पास वक्त नहीं है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का। एक मिनट, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों लड़ रहे हो? पापा, क्या है ये सब? मरवाओगी तुम किसी दिन, कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। अभी चलो घर चलो, तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ, फिर मुझे यहाँ से फॉरेंसिक लैब जाना है। चलो। पापा, भूख लगी है, पिज्जा खाना है। अरे रास्ते में खिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। यहाँ तो तुमने मेरी इज्जत का लास्ट साइज पिज्जा कर दिया ना। चलो आ जाओ, चलो। समोसे ऐसी चटनी की तो बहुत बढ़िया लगती, लेकिन मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं भूख हड़ताल पे हूँ, मेरा बिल्लू निवास मुझे वापस चाहिए। अरे खा ले यार, इसे मर मुरा जाएगा, वैसे ही अपनी प्रजाति का आखिरी वंशज बचा हुआ है तुम। एक मिनट जीता भाई, जिसको नहीं खाना मत खाए, हमको भूख लगी हम खाएंगे। खाओ खाओ, तुमको भूख लगी है खाओ। तुम भी मेरे साथ नहीं हो निठल्ले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। वो तो नहीं होगी। हाँ कुछ भी, क्या बोल रहे तुम लोग, क्या बोल रहे? अरे कह रहे तुम शराब देगा हमको, हाँ तुम्हारा शराब ना बाबू हैंडमेड देसी कट्टा है, तुम चलाएगा हम पर लगेगा तुमको खुद को। अरे अमर भद्रोही नाम है उनका। द्रोही? हाँ अमर भद्रोही नाम है उनका। द्रोही? ऐसे नहीं मानने वाले हैं वो। तो कैसे मानेंगे बाबा चितेश्वर, कुछ मार्ग दिखाइए, अपना डूडल खोलो, मैप दिखाओ। वैसे यार बिलोटा, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तुम्हारा मदद करने का, लेकिन क्या है कि आदमी अगर दरवाजे पर बेजुबान कुत्ता बांध लेना तो आदमी को उससे लगाव हो जाता है। तुम तो कितना साल से हम लोग के छाती पर बैठ के मूंग दल रहा है। तो बिलोटा, हम तुमको एक बात बताते हैं। बिलोटा हमारी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुन। अभी ना थाना में बहुत ही गंभीर बम विस्फोट का धमकी आया हुआ है। इस अवसर का फायदा उठा सकता है तुम बिलोटे, भरपूर फायदा उठा सकता है। कैसे कैसे उठाऊं? अरे अमर भद्रोही से कुछ। विद्रोही? अमर भद्रोही से। विद्रोही? अरे उसका भद्रोही भद्रोही विद्रोही है, पता है मुझे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अमर भद्रोही सर को ही साबित कर करना कि तुम काम का जंतु है। जिस लड़की का फोन आया था ना धमकी के लिए, हाँ। उसका नाम पता लगाओ, उसका पता पता लगाओ, अच्छा जाओ। अच्छा, इतना ही काम है? ये तो 15 सेकंड का काम है, मैं अपनी खबर नेटवर्क को काम पे लगाता हूँ, 15 सेकंड में सब पता चल जाएगा। अरे जिसके पीछे पड़ जा उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिलू द स्पाय। सर, दिवाली के पटाखों में यूज करने वाले बारूद से बना ये बम, होम मेड है। सर, इसे बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, 12वीं क्लास का कोई बच्चा इसे आसानी से बना सकता है। सर, इस तरह के बम को जानलेवा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें बारूद का इस्तेमाल ज्यादा किया गया तो ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि लड़की जिसने बम बनाया है वो पढ़ी लिखी ना भी हो तो आधुनिक टेक्निक के मदद से ऐसे फौरी बम बना सकती है? जी बिल्कुल कह सकते हैं।
करिश्मा सिंह जी, जो भी जानकारी अभी इन्होंने दी है इस बम को लेकर, आप इनके साथ जाइए और उसके एक प्रिंटेड कॉपी निकाल कर लाइए। जी सर, एक मिनट। हेलो। हाँ करिश्मा सिंह, क्या पता चला बॉम्ब के बारे में? जी मैडम, सर एक्सपर्ट का कहना है कि बम बनाने वाला कोई दक्ष एक्सपर्ट नहीं है, मतलब ये कोई भी इंसान बना सकता है, पर हाँ ये बम हानिकारक हो सकते हैं, नुकसान उतना ही पहुंचाते हैं, पर इसे कोई भी बना सकता है। अच्छा ऐसा, तो फिर अब क्या करने वाले आप लोग, आगे क्या प्लान है? आगे मैडम सर जैसे हमें पता चलेगा ना, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? अब सर तो आगे क्या सोचा है, नेक्स्ट स्टेप? दीवान जी, किसी ऐसी मार्केट जहां पटाखों का बारूद और ज्वलनशील चीजें एक ही जगह मिलती हो। हमें उम्मीद है इस केस से रिलेटेड कोई ना कोई सुराग हमें वहां जरूर मिलेगा। सर हमारी जानकारी के हिसाब से लालगंज मार्केट में एक छोटा सा बाजार है, वहां पर ऐसी चीजें मिलती है सर। हाँ तो सोच कर रहे हैं, चलिए ना फिर। जी सर, पर ये करिश्मा मैडम का क्या करें? उनको साथ लेकर जाएंगे दीवान जी, करना क्या है, होशियार पुलिस ऑफिसर है, यहाँ के रास्तों से वाकिफ है अच्छी तरह, इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प भी करेंगी। जी करिश्मा सिंह जी, चलिए हमारे साथ, जहाँ पटाखों का बारूद और ज्वलनशील चीजें एक ही जगह मिलती हो। हमें पूरा यकीन है उस मिस्टीरियस लड़की तक पहुँचने का कोई ना कोई क्लू हमें जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, कौन से मार्केट चलना? अभी दीवान जी बता रहे थे कोई लाली, हमारे मुखबिर का नाम है, बस उसी से टिप मिली है, वो पीलागंज मार्केट है, पीलागंज। बहुत बढ़िया सर, हम गाड़ी निकालते हैं। करिश्मा मैडम क्या बात है, एक ही सांस में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ना कोई सवाल ना कोई जवाब ना कोई बहस, झट से मान गई आप। हसीना मैडम ने आपको और कुछ काम नहीं दिया? करिश्मा मैडम क्या बात है, एक ही सांस में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ना कोई सवाल ना कोई जवाब ना कोई बहस, झट से मान गई आप। हसीना मैडम ने आपको और कुछ काम नहीं दिया? नहीं मतलब ऐसी मान गए, मतलब हमारा काम है अपने सीनियर के ऑर्डर फॉलो करना, हम वही कर रहे हैं, अब वो चाहे मैडम हो चाहे सर हो, हमें अपना हुक्म बजाना है, हम वही कर रहे हैं। हम गाड़ी निकालते हैं। चलिए। चलो। हाँ अब देखते हैं कैसे पहुंचती है इनकी हसीना मैडम लालगंज मार्केट। जब तक उन्हें पता चलेगा अमर सर अपना काम करके निकल भी लेंगे। आप ही को दे रहे थे। क्या बात है, मतलब हमारा ही चूरन बनाया जा रहा है, अमर सर हमारे साथ ही खेल ले, आना था लालगंज चौक और बताया कुछ और, मैडम सर को बताना होगा जल्दी। कोई 18-19 साल की लड़की आई थी आपके पास बारूद लेने? आई तो थी सर, भारी मात्रा में बम पटाके लेके गई थी। मैडम जरा एक मिनट के लिए आपका फोन मिलेगा? वो क्या है ना, मुझे अर्जेंट कॉल करना है और मेरा फोन ठीक से चल नहीं रहा है, प्लीज दीजिए ना। हाँ मौसा जी, हम बोल रहे हैं, हैरी सिंह। हाँ वो कुछ कह रहे थे ना कि आपको कुछ सामान चाहिए, आप बताइए। अब हाँ हम भिजवा देंगे सब कुछ जो भी चाहिए आपको। वो दूसरे के फोन से बात कर रहा हूं। सॉरी, यहाँ क्या कर? मैं वो लड़की तलाश कर रहा था। भाई मैया की, हमारे थाने की लगी पड़ी है, तुम्हें लड़की की पड़ी है? वो बॉम्ब वाली लड़की ढूंढ रहा हूँ मैं, उसकी तलाश में हूँ। अच्छा सुनो, फटाफट तुरंत मैडम सर को फोन करो, उनको बोलो कि हम लालगंज एरिया में देवान जी और अमर सर के साथ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्यों, आपके फोन का बैलेंस खत्म हो गया? मारेंगे अभी एक फोन का, हमारा फोन वो देवान जी ने ले लिया है,
फोन करो जल्दी और उनको तुरंत तुरंत बताओ। हाँ ठीक है मैडम सर को फोन, लेकिन मेरा बिल्लू निवास। थाना बचेगा तो तुम्हारा बिल्लू निवास बचेगा ना, ये सब उसी के लिए कर रहे हैं। हाँ। तुरंत तुम उनको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? हाँ, बता दो। I'm Bilu the spy, over and out. हमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अमर विद्रोही और वो दीवान जी यही लालगंज मार्केट में है। क्या? अच्छा ठीक है फोन रखो। क्या हुआ मैडम सर, किसका फोन था? बिल्लू का। ये अमर विद्रोही जानबूझकर हमें गुमराह कर रहा है, हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। करिश्मा सिंह के जरिए हमें मैसेज भिजवाया कि हमें पीलेगंज पहुंचना है, जबकि खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच गए लालगंज और हमें यहाँ। वही मैडम सर, हम भी सोचे कि पीलेगंज में तो सब्जियां मिलती हैं, यहाँ वैसे बम कौन बनाएगा? मैडम सर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ ना सब्जियां बहुत ताजी ताजी मिलती है, थोड़ी खरीद ले लल्ला को। नहीं नहीं चलिए चलिए, रुकिए हमें करिश्मा सिंह को फोन करना है। तो हम थोड़ा, दीवान जी आपका फोन बज रहा है। हाँ आप... अरे दीवान जी ये वाला फोन बज रहा है। एक मिनट सर, आपको ऐसे कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारा फोन ऐसे पिक कर लें। लाइए हमें फोन दीजिए। हेलो। वाह क्या बात है, अब आप दूसरों का फोन भी अटेंड करने लगे। नहीं ऐसा लग रहा है आपने हमारी एसआई को होस्टेज बना लिया है हमें निशाना बनाने के लिए। क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। करिश्मा सिंह के जरिए हम पर नजर रखी जा रही है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है और उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए हसीना जी आप भूल चुकी हैं कि इस केस में करिश्मा सिंह हमारे साथ है। और करिश्मा सिंह आप जिस कमिटमेंट और वादा निभाने के क्वालिटीज के लिए इस डिपार्टमेंट में जानी जाती हैं उसी पर कायम रहिए ना, इस केस में हमारे साथ है ना, तो हमारे साथ रहिए, हाल ही के बैंगन की तरह इधर उधर मत लुढ़किए। और हसीना जी आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट हमें फोन कीजिए, ऐसे सस्ते बाजारू सड़क छाप नॉवेल्स की आइडियाज मत चिपकाइए यहाँ पे। मैडम वो बात पूरी नहीं हुई है तो फोन दीजिए ना। जी कल परसों में यहाँ पे कोई लड़की आई थी जिसका उम्र 17 से 19 साल के बीच में होगा और आपसे छर्रा या फिर कुछ बारूद या ऐसा कोई कांच का टुकड़ा ऐसे लेने आई होगी तो। हाँ मैडम, एक ऐसी लड़की आई थी जो कुछ कांच की बोतल और छर्रे ले गई थी, वो लगभग 10 कांच की खाली बोतल और आधे किलो छर्रे खरीद कर ले गई थी। सर जहाँ तक हमें लग रहा है ये बम बनाने में ज्यादा सामग्री यूज नहीं हुई है। लेकिन ये कौन जानता है कि एक बम कितना पावरफुल है या वो लड़की सिर्फ एक ही बम बनाने वाली। इससे सिर्फ एक ही बात का पता चलता है कि वो लड़की जो भी कुछ करने वाली है कुछ बड़ा ही करने वाली है। चलिए वेलकम। जानता था आप जरूर आएंगी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई। वो कहते हैं ना कि कैरम के खेल में रानी और क्राइम के खेल में जानकारी, जिसके पास पहले जीत उसी की। और फिलहाल तो इस मामले में आपसे 2 कदम आगे हूं मैं और आगे का ऊपर वाला मालिक। चलिए करिश्मा सिंह। विद्रोही सर गए? हाँ गए। मैडम सर यही दुकान है। सुनिए। राम राम मैडम। राम राम। एक बात बताइए, यहाँ पे 1-2 दिन पहले कोई 18-19 साल की लड़की आई थी जिसने कोई बहुत अजीब सी या अतरंगी चीजें खरीदी हो? हाँ मैडम, ऐसी एक तो लड़की आई थी, वो कुछ 10 कांच की खाली बोतल और छर्रे ले गई थी। क्या? इसका मतलब ये लड़की कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में। सेम मैडम, वो पहले वाले सर भी यही कह के गए थे मैडम। अच्छा ठीक है, आपने उस लड़की का चेहरा देखा? नहीं मैडम, वो लड़की नकाब पहनी हुई थी। पर हाँ मैडम, मैंने पहले वाले सर को एक जरूरी और खास बात बताना भूल गया था। क्या, कौन सी खास बात? मैडम वो सारे पेमेंट कैश में करके गई थी। तो इसमें खास क्या हुआ? उसके हाथ में बहुत सारे लिफाफे थे और सारे में पैसे भरे थे, किसी में 101 तो किसी में 1101। वो मैडम शादी ब्याह में लड़का लड़की को पैसे मिलते हैं ना लिफाफे में, वैसे ही पैसा था और वो सारे लिफाफों से पैसे निकाल के फिर मुझे कैश की। मैडम वो लिफाफा है आपके पास? हम दीजिए। ये रहा मैडम। आप
चलिए चलिए चलिए। हमें लगता है कि या तो इस लड़की के घर में अभी अभी किसी की शादी हुई है या फिर हो सकता है इसकी खुद की शादी हुई हो, क्योंकि इस तरह के एनवेलप तो ऐसे ओकेजंस में दिखते हैं। कमाल है मैडम सर, मतलब ऐसी सामाजिक लड़की 15 बम लगाने वाली हिंसक आतंकवादी। अरे क्या हो रहा है सर? मैडम सर, ये महाशय श्रीमान दीवान जी यहाँ दरवाजे पे कान लगाए खड़े थे, आपकी बातें सुन रहे थे। शर्म नहीं आई आपको? गलत फहमी है आपकी मैडम, मैं तो बस दरवाजे की ऑयलिंग चेक कर रहा था। वो क्या है ना, इस थाने के पुराने दरवाजे कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं आजकल। देख रही पुष्पा जी, आपके बहाने कितने फेमस हो गए हैं, सब कॉपी मार रहे हैं इसको। हाँ हाँ, और आप श्रीमान दीवान, इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी आंखों से आपको देखा है वहाँ पे, समझ गए ना, इन दोनों की बातें सुनते हुए। कमाल है श्रीमान दीवान, आप इतने लंबे चौड़े मूंछों वाले, पेट वाले, मर्द होकर भी औरतों वाली हरकतें कर रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, लेकर आइए ना पुष्पा जी। जी खुशी से, चलिए। हाँ चलिए, आप चलिए चलिए। मिस्टर अमर विद्रोही जी, ये आपके कांस्टेबल हरिंदर सिंह हमारे केबिन के बाहर कान लगाकर हमारी सारी बातें सुन रहे थे, खुद को शर्लॉक होम्स समझते हैं। हाँ तो जैसे को तैसा ही तो किया है दीवान जी ने, करिश्मा सिंह भी तो हमारे साथ रहकर आपके लिए जासूसी कर रही है, हर बात आप तक ट्रांसफर करती हैं। अब यही बात अगर दीवान जी ने कर दी तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? सर ये देखिए एनवेलप्स, इनकी तफ्तीश के दौरान इनके हाथ लगे थे। सर ये उसी धमकी वाली लड़की के हैं, तो इसके हिसाब से या तो उस लड़की की अभी अभी शादी हुई है या उसके घर पे किसी और की। यार चीचा, आप तो एकदम मतलब खुलकर सामने आ गए हैं। अरे डाई की हुए बाल का थोड़ा तो लिहाज कर लेते आप। अरे एक मिनट, करिश्मा सिंह को हमारी जासूस नहीं है, हम भी यहाँ के SHO हैं, करिश्मा सिंह हमें भी रिपोर्ट करती हैं। अगर हमने हमारी SI से एक केस के बारे में अगर कुछ नोट्स एक्सचेंज कर लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? प्रोटोकॉल के अगेंस्ट तो जा नहीं रहे हम, बताइए। वाओ दैट्स ऑसम, मतलब इनकी चुगलखोरी को कितना फैंसी टाइटल दिया ना आपने, नोट्स एक्सचेंज। मतलब करिश्मा सिंह करें तो नोट्स एक्सचेंज, दीवान जी वही चीज करें तो चुगलखोरी, जासूसी। अरे हसीना मलिक, ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है आपका? लिसन मिस्टर अमर, जो भी फोन उठाएगा स्पीकर पे रखेगा एज पर न्यू रूल्स। हेलो, बस इतना ही दिमाग है तुम प्रदेश पुलिस के पास? दशहरी आम दिखाकर लंगड़ा आम बेचोगे? हम तुम्हारे थाने आकर चले गए और किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी? बहुत ही शर्म की बात है तुम्हारे पूरे पुलिस विभाग के लिए। कैसा लगा? एक लड़की ने तुम्हारे पूरे पुलिस विभाग को उल्लू बना दिया। हाँ तो तुमने कौन सा अब तक कुछ उखाड़ लिया बहना, जो इतना कर रही हो तुम? एक भी बम फोड़ा नहीं, तुम्हारी कोई भी बात सच हुई नहीं तो फिर इतनी हवाबाजी क्यों? देखो जिनको बम फोड़ना होता है ना वो फोड़ देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हवा में बातें नहीं करते। और तुमसे कुछ नहीं होने वाला, कोई बम बूम नहीं फोड़ने वाली हो तुम, तो हमारी बात सुनो ध्यान से, जो भी असली मुद्दा है ना उस पर आओ। क्या चाहती हो तुम, कौन हो, क्यों कर रही हो ये सब? और देखो किसी हेल्प की जरूरत है ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बोला ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं तुम्हारी मदद। देखो हमारी बात सुनो, हम जानते हैं कि तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का तुम्हारा इरादा है ही नहीं, तो फिर क्यों ये सब कर रहे हो? देखो बताओ तुम किस परेशानी में हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? क्यों खामखा खुद को और बाकी सबको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रही हो? बस कल 3 बजे तक की बात है, फिर तो वैसे सब खत्म हो जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारे शहर के सारे लोग। हेलो सर, ये लड़की कुछ बहुत बड़ा करने वाली है और वो कुछ करे उससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। और मुझे पता है ये लड़की कहां मिलेगी। मुझे मेरे बिल्लू निवास से निकाल दिया, बेघर कर दिया इस अमर विद्रोही ने। अमर विद्रोही, तुझे मेरा श्राप लगेगा, तू मेरी दोस्ती के लिए तरसेगा। कौन दोस्त रे? विद्रोही सर की दोस्ती। अमर विद्रोही कहीं ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे हैं? फ्लो फ्लो में निकल गया, तू नहीं समझता रे। हम नहीं समझेंगे बिलोट, नहीं समझना हमको। वो आदमी हम लोग के थाना के किस्मत पर ना इसे कुंडली मार के बैठ गया है।
अब तो संतु जी भी उसका पाला में सरक रही है। पैर पे पैर रखकर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना होगा, उस लड़की को ढूंढना होगा, हमारा थाना वापस लेना होगा, मेरा बिल्लू निवास वापस लेना होगा। कौन बोल रहा है? तुम बोल रहा है? इधर आ, इधर 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 बैठ 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 इधर बैठ इधर बैठ। अभी कल सुबह में नाच रहा था ना 15 सेकंड में, हाँ बिल्लू सबको कर दे भाई भाई, और 15 सेकंड में रे नरभक्षी, इधर देख, इधर देख ना, आंख में आंख डाल के देख हमारे, 15 सेकंड में लड़की पकड़ लेगा। किधर है लड़की? कैसे ढूंढेंगे? बिल्ली निवास कैसे वापस लेगी? मैडम आपका कॉइन गिर गया नीचे। पकड़ लिया बम वाले मैडम को पकड़ लिया। क्या लिया? ये कौन है? ये मैडम है, इसने बम लगाया था। बम निकाल निकाल। ए झक्की, क्या क्या कर रहे हो? ये जो चांद का टुकड़ा है ना, इसकी सोने की चेन मारने आया था। कच्चे अगला बार इस एरिया में दिख गया ना बाबू, सारा बाल निकाल कर कहीं और लगा देंगे तुम्हारे। निकल निकल ना सर, निकल दुपट्टा दे, हमारा नाम खराब कर दिया। अच्छा तुम रे रे नरभक्षी राक्षस, मैडम का चल रहा है? सर का चल रहा है? यहाँ जाइए, लोग जाइए, दिखा जाइए, अपना काम कीजिए, काम कीजिए अपना। हम जाओ हेलो महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? बम है। शुक्रिया। अबे तुमको नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारी कुर्सी के नीचे बम है। हा? ना ना हिलना नहीं, हिलना नहीं, ज्यादा हिल डुल की तो बम फूट जाएगा, साथ में फटोगी तुम फटे तरबूज के जैसे। सुनो है, हेलो शिवजी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप हमारे साथ? बचाइए बचाइए। चा 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 चा, ये लिए पुष्पा जी, आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय। पुष्पा जी, आपके चेहरे पे पसीने के झरने क्यों फूट रहे हैं? पुष्पा जी घबराइए मत, चलिए फैन के नीचे ले चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, कुर्सी को हाथ मत लगाना, कुर्सी के नीचे बम है। पुष्पा जी, अरे अरे कुछ करो, हमें बचाओ, हमारी बहुरानी को फोन करो, किसी को आवाज दो, हमारी जान खतरे में। पुष्पा जी हिलना मत। अरे नाना एक जल्दी फोन करो, हमको हिलना नहीं, वरना हम नहीं फोन करते। पुष्पा जी हिलेगा। नानायक यहाँ हमारी जान खतरे में है और तुम दांत निकाल रहे हो। अरे पुष्पा जी कोई बम हम नहीं है। बम नहीं है? बम नहीं है, बम नहीं है, इसका मतलब किसी ने हमारे साथ मजाक किया, और वो भी इतना वाहियात। जिसने भी हमारे साथ मजाक किया ना, उसको जिंदा जला देंगे हम, नहीं छोड़ेंगे हम जिसने भी हमारे। तुम दोनों ने मिलके हमारे साथ मजाक किया है ना संतू? हाँ, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संतू। पुष्पा जी अगर दुश्मन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग है ना, तो दुश्मनी छोड़ के उनसे हाथ मिला लेना चाहिए, उसी में हमारी उम्र और ताकत बढ़ती है। सीखिए अपने जूनियर से कुछ सीखिए, कितनी समझदार है। और संतोष शर्मा, हाँ जी, अब जब हाथ मिला ही लिया है तो अपना वादा मत भूलना। हाँ? मुझे ऑपरेशन काला कबूतर की सारी डिटेल चाहिए, ताकि मैं उस इंसान का पता लगा सकूं जिसने मेरे कंधे पर गोली चलाई, और मैं अपने हाथों से उसका कंधा उखाड़ दूं, ताकि उसे पता चले कि किसी को जीवन भर का दर्द देने का क्या नतीजा होता है। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना अभी के अभी ढूंढ के निकालूंगी वो गिरे हुए और घटिया इंसान को। संतु, गाली देने की क्या जरूरत है? नहीं पुष्पा जी, पता तो करना ही होगा। संतु जी आप कीजिए पता। एक सेकंड, चाय दे दी ना आपने? जी। हाँ तो फिर जाओ ना,
मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ मुंह पे बैठ जाती। हाँ तो संतु, हम कह रहे थे कि क्यों गाली दे रही हो खामखा, मतलब गाली दे के अपना मुंह गंदा कर रही हो, क्या जरूरत है उसकी? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिसने भी गोली चलाई उससे गलती से चली हो, पछता रहा हो, माफी मांगना चाहता हो। अरे भाड़ में जाए उसकी माफी। हाँ? उसे माफ नहीं, मैं साफ कर दूंगा। गोली का मामला ना पुष्पा जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करो जो तुमको करना है, मगर एक बात याद रखो कि हम मैडम सर की टीम में हैं और उन्हीं की टीम में रहेंगे। अरे कोई अकलमंद वकलमंद नहीं है ये लोग, असली अकलमंद है मैडम सर। अरे इन्हें तो पता भी नहीं है कि हमारी मैडम सर लालगंज मार्केट के पास वाले मोहल्ले में तफ्तीश करने के लिए गई है। ये होती है असली होशियारी। हसीना मैडम लालगंज गई है, अमर सर भी तो वहीं गए हैं पड़ताल करने। और भैया कैसा चल रहा धंधा पानी, सब बढ़िया? अच्छा यार हमें ये बताओ, हाल ही में मतलब एक डेढ़ महीने के अंदर यहाँ किसी लड़की की शादी हुई है? शादियाँ तो होती रहती है साहब। आप हमारी दुकान की मिठाई टेस्ट कीजिए ना। ये है समोसे, ये जिले को। भैया टाइम बदल रहा है तो आप भी बदल जाइए। अब हम पुलिस वालों को आपकी चापलूसी नहीं, आपके कॉपरेशन समझते हैं, सहयोग चाहिए, समझे? तो जितना पूछ रहे हैं उतना चुपचाप बता दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। बताइए किसी की शादी हुई है यहाँ पे? मैडम सर हमको समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ क्या कर रहे हैं और ये लोकेशन आपको कैसे मिली? हमने संतोष शर्मा से कहा था कि अमर विद्रोह की लोकेशन ट्रैक करे, उसने बताया हमें। पर आप ऐसा काहे करेंगी? उन पर नजर रखने के लिए। का? लड़ाई चाहे कोई भी हो, अपने दुश्मन पर हमेशा नजर होनी चाहिए ताकि हम हमेशा उससे एक कदम आगे रहें। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर क्या ये गलत नहीं है? करिश्मा सिंह, अगर बात सिर्फ हमारे अकेले के स्वार्थ की होती तो हाँ ये बात गलत है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूरे महिला पुलिस थाने का है। महिला पुलिस फोर्स का वजूद जो है खतरे में पड़ जाएगा अगर ये इंसान जीत गया तो, और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। क्या बात है मैडम सर, आजकल तो आप हमारा जबान बोलने लगी है, क्योंकि आपको तो आइडिया भी नहीं है, आप हमारी तरफ बर्ताव भी करने लगी है। सब पे भड़क रही हैं, सब पे फट रही हैं, और अमर सर के तो बक्खल उखाड़े हुए हैं आपने उन पे भड़क भड़क कर। तेरा ये दस्तूर है तो अपना भी उसूल सही। तू काबिज हो मेरे वजूद पे, ये तो मुझे मंजूर नहीं। करिश्मा सिंह देखिए, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें अमर विद्रोही के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता रहे, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन हमारे इन्वेस्टिगेशन के आड़े नहीं आए और वो लड़की तक पहुँचे इससे पहले हम उस लड़की को अलर्ट कर दें। जी हाँ, तो वही शादी साहब, वो डेढ़ महीने पहले हुई है। वो 16 नंबर वाले वर्मा जी है ना? राहुल, उनका बेटा, उन्हीं से हुई है। कहाँ रहते हैं वो? वो सामने से दाई तरफ सर। थैंक यू। जी कही। SHO अमर विद्रोही, थाना जनपद लखनऊ, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो आप हमारे पीछे खड़े थे, ऐसे साथ देंगे जिंदगी भर हमारा? देखिए खामखा आंटी को डरा दिया आपने। आंटी जी दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, तो तब तक पानी ढूंढते हुए आ गए। बहुत गर्मी है ना, प्यास लग रही है। ये इनका मंगेतर है, इनकी अगले महीने शादी होने वाली है और हम इनकी बहन है और इनकी होने वाली साली। पूरा परिवार ही पुलिस में है। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं सुनिए, वो हाँ दीदी आप चुप, वो धूप में बहुत चक्कर आते हैं। हाँ। बहुत गर्मी है ना, आप अंदर आइए आइए आइए। हाँ चलिए चलिए आइए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर जी। बहुत हाँ? बहुत शुक्रिया। कौन सा मंगेतर, काहे का मंगेतर, ये सब क्या है? आप क्या जिम में पसीने के साथ साथ अपनी अकल भी बहा देते हैं क्या? इस तरह पुलिस बनकर डायरेक्टली पूछताछ करेंगे तो कोई भी घबरा जाएगा। अगर उस लड़की को पता चल जाता, वो कुछ उल्टा सीधा कर देती, कोई नुकसान पहुंचा देती तो क्या करते आप? हर बार पुलिस या धौस काम नहीं आता, कभी कभी अपने दिमाग से और इंसानियत से भी काम लेना जरूरी। अरे तो कलीग बोल देती, कुछ और बोल देती, मंगेतर ही क्यों? जरूरी था सर, शादी वाला घर है, शादी ब्याह का बहाना बनाएंगे तो तफ्तीश करने में आसानी हो जाएगी।
ये हमारा महिला थाना का टूट गया है, हम ऐसी केस के अंदर घुस के उसकी खोचन बाहर निकालते हैं। Take it easy, baby. Come on, cool. इतने सुंदर चेहरे पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ये लीजिए, पानी लीजिए। जी, मेरी मंगेतर गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। शादी के बाद थोड़ा और भी बढ़ेगा, नेचुरल है। ये मेरा बेटा है राहुल, इसकी भी कुछ दिन पहले शादी हुई है। माँ ने बताया था कि आपकी भी शादी हो रही है। जी बधाई हो। थैंक यू। अरे आपकी बहू कहाँ है, उनसे भी तो मिलवाइए। अरे घर पर हो तो मिलवाए ना, वो अपने मायके गई है। आजकल अच्छी बहुएं मिलती कहाँ है भैया। हमारी वाली लीजिए, ये सलोनी। जब नई नई दुल्हन आई थी तो ऐसा उत्पात मचाया था उसने। हम आगे पढ़ना चाहते हैं माँ जी। बेटा क्या करेगी पढ़कर? पर माँ जी शादी से पहले उन्होंने कहा था कि वो मुझे पढ़ने देंगे, जॉब भी करने देंगे। अरे बेटा ब्याह से पहले की बातें ब्याह की बात की बातों में अंतर होता है। तुम अपना मन घर गृहस्थी में लगाओ। पर माँ जी। अरे क्या जिद पकड़े बैठी हो तुम भी, सही तो कह रही है अम्मा। अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए खाना लगा दो, हमको मीटिंग के लिए निकलना है। पर बाद में सब ठीक हो गया, भगवान की दया से उसे अकल आ गई और अब उसने अपना सारा ध्यान घर गृहस्थी और अपने पति की तरफ लगा दिया है। आपके हाथों को क्या हुआ बार बार? ये जल रहे हैं, वो मैं मसाला बना रही थी ना ये। पर आप अकेले इतना सब कर लेती हैं? अरे नहीं नहीं, सलोनी मदद करती है ना इनकी। काहे की मदद? अरे दो दिन से तोता पाले बैठी है हाथों में, जख्म हो गए उसके हाथों में। ये कैसे हुआ ये? माँ जी वो हम गरम गरम पूरियां तल रहे थे, बस उसी वक्त गैस से कढ़ाई फिसल गई और हमने गरम कढ़ाई पकड़ ली और हमारा हाथ जल गया। हाँ फिर भी उसने मदद करने की कोशिश तो की थी। ये अपने किताब के पन्ने क्यों फाड़ दिए? ये अरे ये तो हमारी बहू लाई थी मायके से, पढ़ाई लिखाई करनी थी ना उसे। पर अब जब पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है तो ये तो हमारे लिए रद्दी हुई ना। दिखाइए ना, दिखाइए जरा। ये देखेंगे? लीजिए। हाँ दीजिए दीजिए सर। करिश्मा सिंह, हमें नहीं लगता कि ये लड़की जो है किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है जिंदगी में, ये लोगों पर बम थोड़ी ना पड़ेगी। ये केस जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले कि ये केस बिगड़ जाए हमें कुछ करना होगा।